तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट और जूसी वेजिटेबल मोमोज। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है, और इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर भी यूज नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल वेजिटेबल से कलर बनाया है, या हमने स्टीमर का भी यूज नहीं किया है। मैंने इन मोमोज को और स्वादिष्ट और जूसी करने के लिए यहाँ एक सीक्रेट ट्रिक यूज किया है, जिससे आपकी फिलिंग कभी भी ड्राई नहीं बनेगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको और ऐसी अनोखी रेसिपीज चाहिए हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। यहाँ सबसे पहले हम नेचुरल कलर बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ बीटरूट लिया है मोमोज को पिंक करने, और कैरेट लिया है मोमोज को येलो कलर देने। इससे मैंने छोटे डाइसेस में काट के एक बर्तन में डाल दिया है। अभी इसमें आधा आधा कप पानी डालेंगे और इन्हें गैस पर मीडियम हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तब तक हम यहाँ डो की तैयारी कर लेते हैं। इसीलिए मैंने तीन कलर के मोमो बनाने के लिए यहाँ तीन बोल्स लिए हैं, और हर एक बोल में आधा कप मैदा डाल दिया है। आप यहाँ चाहिए तो सिर्फ नॉर्मल वाइट बिना कलर के मोमोज भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने तीनों बोल्स में मैदा डाल के साइड पे रख दिया है। ये देखिए 12 से 15 मिनट बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और प्यूरे को स्ट्रेन कर लिया था और ठंडा होने दिया था। यहाँ मैंने डो बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें ये एक बोल मैदा डाल दिया है। यहाँ मैंने एक छोटी चम्मच तेल डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और यहाँ ये बीटरूट का प्यूरे डाल दिया है 2 बड़ी चम्मच। इसे अब मिला लेंगे और डो में बना लेंगे। और यहाँ और एक बड़ी चम्मच बीटरूट प्यूरे डाल दिया है। ये आपके मैदे की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डो बनाने के लिए आपको कितना प्यूरी या पानी चाहिए होगा। तो यहाँ हमें एक मीडियम डो बांधना है, बहुत सॉफ्ट डो मत लगाना यहाँ पे, वरना फिलिंग करते वक्त बहुत मुश्किल होगी। यहाँ मुझे बस थोड़ा 2-3 ड्रॉप और बीटरूट प्यूरे चाहिए था। इसे अच्छे से थोड़ा नीट कीजिए और ये आपका डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे उसी बोल में डाल के ऊपर एक कपड़ा डाल के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था आधा घंटा रेस्ट होने के लिए। ठीक इसी तरह यहाँ मैंने दूसरा बोल डाला है फ्लार का, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, तेल डाल दिया है 1 छोटी चम्मच, और ये कैरेट की प्यूरी डाल दी है टोटल 3 बड़ी चम्मच। मीडियम डो लगा लिया है, अच्छे से नीट किया है, स्मूथ डो बनाया है, और इसे कवर करके फ्रिज में डाल दिया है आधे घंटे के लिए। ठीक इसी तरह ये तीसरा डो भी लगा लेंगे पानी यूज करके, और कवर करके फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है, हम झटपट से यहाँ पर इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने फिलिंग के लिए आधा कप कैप्सिकम को फाइन चॉप किया है, 1 छोटे प्याज को फाइन चॉप किया है, 2 ग्रीन अनियंस के ग्रीन पार्ट चॉप किए हैं, और यहाँ 2 हरी मिर्च फाइन चॉप कर लिया है। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये फिलिंग में थोड़ा स्पाइस नहीं डालोगे तो ये बहुत ब्लैंड टेस्ट करेगा। यहाँ मैंने थोड़ा पत्ता गोभी फाइन चॉप कर लिया है, थोड़े बीन्स फाइन चॉप किए हैं, और यहाँ एक गाजर को ग्रेट करके रखा है। और फिलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स 12 से 15 फाइन चॉप लहसुन और 2 इंच फाइन चॉप्ड अदरक। यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा तो ही फिलिंग में असली मज़ा आएगा। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और 3 छोटी चम्मच तेल डाल दिया है। इसके गर्म होते ही अदरक डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर नहीं चले जाता। अभी यहाँ कैप्सिकम डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ मैंने बाकी की सब्जियाँ डाल दिया है। इसे मिलाएंगे और इसमें तुरंत नमक डाल देंगे ताकि ये सब्जियाँ पानी छोड़े। इसे अच्छे से पकाएंगे अब जब तक ये सब्जियाँ ड्राई नहीं हो जाती। याद रखिएगा, मोमोज का फिलिंग ड्राई ही होना चाहिए, वरना फोल्डिंग करते वक्त बहुत मुश्किल होगी। और अभी मैं यहाँ इसकी फिलिंग को और स्वादिष्ट करने यहाँ रेड चिली सॉस का यूज़ करूँगा। जो ट्रेडिशनल मोमोज होते हैं वो इंडियन पैलेट के लिए काफ़ी ब्लैंड होते हैं, इसलिए इसे और स्वादिष्ट करने और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए यह रेड चिली सॉस का यूज़ किया है। ये फिलिंग को एक बहुत ही अच्छा स्वाद देता है और फिलिंग को थोड़ा सा बाइंड करता है, जो फोल्डिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको स्पाइसी फिलिंग चाहिए तो ये ज़रूर डालिएगा। तो मैंने यहाँ बस 1 छोटी चम्मच जितना रेड चिली सॉस डाला है, इसे थोड़ा पकाया है और बस गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ अब मैंने ग्रीन अनियंस का हरा हिस्सा डाल दिया है फ्रेशनेस के लिए। इसे मिलाएंगे और ये आपकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे अब। चलिए इसका फिलिंग करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले पिंक डो लिया है, उसको रोल किया है
और उसे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है। अभी एक पीस लेंगे और उसे रोल करेंगे। यहाँ रोल करते समय अगर आप दो चीज़ का एकदम ध्यान रखोगे तो आपके मोमोज हर बार बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहले तो आपको इसे एकदम पतला बेलना है, इतना कि ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए, और दूसरा इसके कॉर्नर्स इसके सेंटर्स से और पतले होने चाहिए। ये जब बेल के रेडी हो जाए तो बीच में अच्छी क्वांटिटी फिलिंग घी डाल देंगे। और ये हमारा सीक्रेट ट्रिक, बटर क्यूब्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ बटर को छोटे क्यूब्स में काट कर रखा है और ये फिलिंग के बिल्कुल बीच में डाल दूंगा। अभी तो ये बटर थोड़ा हार्ड है, तो जैसे ही ये मोमो स्टीम होंगे अंदर बटर पिघलने लगेगा, और जैसे ही आप इसका बाइट लोगे तो पूरा बटर वेजिटेबल के जूस के साथ बाहर ऊज आउट होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिससे आपके कभी भी ड्राई मोमोज नहीं बनेंगे। अब इसकी फोल्डिंग टेक्निक शुरू करेंगे। मैंने यहाँ बहुत स्टाइल से फोल्ड किए हैं, लेकिन आपको जो पसंद आए आप वो टेक्निक से फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पहले मैंने इसे आधे में फोल्ड कर दिया है और कॉर्नर्स को अच्छे से मिला के दबा दिया है। मुझे यहाँ कॉर्नर्स चिपकाने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत ड्राई हो गया है तो कॉर्नर्स पर पानी लगाकर चिपकाइएगा। और इसे ऐसे फोल्ड करके मैंने ऐसे चार फोल्ड कर दिए हैं। ये आपका एक स्टाइल हो गया। अभी मैंने यहाँ पर येलो कलर का डो लिया है और उसे भी ऐसे रोल करके छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी इसे ठीक लास्ट स्टेप की तरह अच्छे से बिल्कुल पतला रोल करेंगे, कॉर्नर्स को और भी पतला करेंगे और बीच में फिलिंग डाल देंगे। और ये फिलिंग के बीच में हमारा सीक्रेट ट्रिक, फ्रोजन बटर क्यूब्स। यहाँ हम एक स्टार शेप मोमो बनाएंगे। उसके लिए ऊपर के ऐसे दो कॉर्नर्स मिला लेंगे और फिर नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे पिंच करके अच्छी तरह से चिपका देंगे, और ये आपका स्टार शेप मोमो रेडी है। यहाँ इसे ऐसे सेमी सर्कल में फोल्ड करेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से चिपकाएंगे और इस कॉर्नर से शुरू करके इसे पिंच और टर्न करेंगे। ठीक ऐसे ही पूरा फोल्ड करेंगे और आपका ये वाला शेप भी तैयार है। यहाँ मैंने व्हाइट डो लिया है और यहाँ ऐसे कॉर्नर्स को सर्कल में पिंच करके एक ओपन टॉप मोमो बनाएंगे। और ये आखिरी वाले में ऐसे कॉर्नर सील करेंगे और उसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसे अच्छे से दबा के थोड़ा शेप दे देंगे, और ये आपके मोमो स्टफ करके रेडी है। यहाँ आपके 20 से 25 मोमो टोटल बन जाएंगे आराम से, डिपेंड्स कि आप कौन से शेप में फोल्ड करते हो। अभी यहाँ हमारा स्टीमर सेट कर देंगे। सब लोगों के पास तो घर पे स्टीमर रहता नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैंने एक सेटअप दिखाया है जो आप आराम से घर पे कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक बड़ी पतीली ली है और इसमें थोड़ा पानी डाला है। इस पे एक स्टैंड डालेंगे और इसके ऊपर एक कटोरा डाल देंगे ताकि जो हमारे मोमोज है वो पानी के ऊपर रहे। और यहाँ मैंने जो हमारी आटे की छन्नी या जिसे सीव कहते हैं वो यूज किया है यहाँ पे, और एक लिड चाहिए होगा जो ऊपर से अच्छे से पूरा कवर कर दे। तो यहाँ मैंने सीव निकाल कर इसे हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो और अच्छा स्टीम जेनरेट हो। इस छन्नी को लिया है मैंने और इस पे गोभी पत्ते का जो आउटर थिन लीव्स होता है उसे ऐसे बिछा लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फॉइल का भी यूज कर सकते हो। और अभी हमारे मोमोज ऊपर डाल देंगे। याद रखिएगा इन मोमोज के बीच में थोड़ा स्पेस जरूर छोड़िएगा, क्योंकि स्टीम होने के टाइम ये साइज में थोड़े फूल जाएंगे। और ये देखिए हमारा स्टीमर बिल्कुल तैयार है और इसमें ऐसे धुआं निकलना चाहिए। अभी संभाल कर ये मोमोज अंदर डाल देंगे और जल्दी से लिड डाल देंगे। ऐसे फुल हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा। जो ट्रेडिशनल स्टीमर होता है उसमें तो 7-8 मिनट में ये मोमोज तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, डिपेंड्स कि आपने कितना थिन बेला है। तो आप बीच में चेक कीजिएगा, अगर ऊपर से एक अच्छे से शाइन आ जाए और आपका मोमो ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, इसका मतलब आपके मोमोज बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही खाइएगा। तो बनाइए इसे और मजा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके को।